समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के महलनुमा बंगले पर चला बुलडोजर, 3 करोड़ का मकान किया गया ध्वस्त। खजरीखिरिया बाईपास स्थित रजा मेटल इंडस्ट्रीज में हुए धमाके के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आए हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी के घर पर शुक्रवार को बुलडोजर ने अपने पंजे से महलनुमा बंगले को ध्वस्त कर दिया। बंगले की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आधारताल आनंद नगर बस स्टॉप के समीप स्थित उसके करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले मकान को जमींदोज करने के लिए सुबह से ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया था। बड़े धमाके और व्यापक पैमाने पर कबाड़ गोदाम में आपत्तिजनक सामग्री का पता लगने के बाद प्रशासन ने सख्ती का रूप अख्तियार कर लिया। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं जो इंक्रोचमेंट का एरिया था उसको टारगेट करके उसको हटाया गया है और उसी के लिए यहाँ पर जो है पुलिस और पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। किस तरीके से कार्रवाई की है, क्या जो आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट जितना भी एरिया का पाया गया था उसी पर कार्रवाई की गई है। यहाँ ये रद्दी चौकी के पास सैफ नगर में सलीम खान करके हैं। इनके मकान की चेक किया गया, जो बिल्डिंग चेक की गई तो इसमें देखा गया कि जो निर्माण है नक्शे के अनुसार जो चेक किया गया तो वो नक्शे के विरुद्ध बना हुआ है। तो जो हिस्सा अवैध रूप से बना हुआ उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। भवन शाखा के जो संभागीय यंत्री हैं उन्होंने इसे चिन्हित किया हुआ है और इसे जो जितना भाग अवैध है उसे हटाया जा रहा है। लगभग कितने फट में बना था और कितना अधिकार टोटल जो एरिया है बिल्टअप एरिया जो है 2400 से 2500 स्क्वायर फुट बता रहे हैं और अवैध निर्माण जो इन्होंने डिसाइड किया ये तो आपको बिल्डिंग ऑफिसर ही बता पाएंगे, लेकिन जो इन्होंने चिन्हित करके हमें बता दिया वहाँ भी मशीन चल रही है। ये थी आज की खबरें और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।